प्रणाम, स्वागत बाटे रउआ सबके हमार खास प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में, जेमे हम बताइले इंडस्ट्री आ स्टार लोग से जुड़ल कुछ गॉसिपिंग भरल खबर, जे लेके एक बार फिर से हाजिर बानी। पहला खबर जे हम रउआ सबके बतावे जा रहल बानी, वो खबर जुड़ल बाटे प्रवेश लाल यादव से। कहे कि प्रवेश लाल यादव के जन्मदिन रहलक बीतल दिन पहले। निरहुआ तो विश ना कह पैले हों, लेकिन निरहुआ तो विश कर दिले हों, लेकिन बर्थडे पार्टी में शामिल ना कह पैले हों, काहे कि शूटिंग बहुत ज़्यादा रहे यही से। लेकिन निरहुआ के बेटी अदिति प्रवेश लाल यादव के भतीजी, उनका के वो गिफ्ट देने पड़े डायरी आ पेन, जेकर तस्वीर प्रवेश लाल यादव शेयर करके अपन खुशी जाहिर करले पड़े। आज हम एक गॉसिप्स वाले प्रोग्राम में रोज सके की हूँ बात के गॉसिप्स ना बताया। आज हम स्टार लोग से जुड़ल वो लोग से रोज सके रूबरू करवा भी जा रहा बनी, जो लोग का बहुत करीब बा। ऐसा ही निरहुआ के बेटी अदिति प्रवेश लाल यादव के बहुत करीब हुई। रोज सबके मालूम हो कि निरहुआ के बेटी इकलौती बड़ी अदिति, दोगो बेटा बा निरहुआ के, लेकिन बेटी थी बेटी अकेले बड़ी अदिति, जिनका के घर में सब केहू बहुत मानेला। आम्रपाली घर के सदस्य नहीं ओकरा बावजूद आम्रपाली से अदिति के खासा लगाव बटे। प्रवेश लाल यादव कई बार अदिति का साथे तस्वीर शेयर करत नजर आ जाले, कई बार खेलत मस्ती करत नजर आ जाले। तजे तस्वीर प्रवेश लाल यादव शेयर कैले बड़ी अदिति का साथ में, आका गिफ्ट देले बड़ी अदिति उहो दिखावे जा रहल बानी ए रिपोर्ट में देखी। हाल ही में दिनेश लाल यादव के भाई प्रवेश लाल यादव का जन्मदिन था और इस खास मौके पर एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें प्रवेश लाल यादव भतीजी यानी निरहुआ की बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये फोटो उनके जन्मदिन के मौके की है, जब भतीजी की तरफ से उन्हें एक खास तोहफा मिला। बता दें कि इस खास मौके पर निरहुआ की बेटी ने चाचा प्रवेश लाल यादव को एक डायरी और एक पेन गिफ्ट किया। बता दें आपको कि प्रवेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और साथ ही साथ वो भोजपुरी का एक जाना माना चेहरा भी हैं। हालाँकि बता दें कि जहाँ ऑन स्क्रीन दोनों भाइयों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो वहीं रियल लाइफ में भी दोनों भाइयों के बीच काफ़ी अच्छा व्यवहार है और साथ ही दोनों हमेशा ही एक साथ नज़र आते हैं। वहीं आपको प्रवेश लाल यादव की भतीजी के साथ ये खास फोटो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तब प्रवेश लाल यादव और अदिति के तस्वीर तो वो सब देखे चुकल बनी लोग, लेकिन अब बारी हो चुकल बा प्रवेश लाल यादव के बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ा एगो खास खबर देने के। प्रवेश लाल यादव अपन फ्रेंड्स लोग का बीच में अपन बर्थडे मनावले बढ़े, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल में चाहे निरहुआ चाहे प्रवेश के बर्थडे सेलिब्रेशन में निरहुआ आ आम्रपाली नजर ना आई लोग। एकर कारण का रहे इहो हम लोगों सबके बता दें, एकरा पीछे कोनो द्वेष भाव नहीं के, एकरा पीछे वो कारण बटे सटीक और व्यस्तता के कारण बटे। एगो शूटिंग में व्यस्त रहे लोग तो एगो अपन घर के फंक्शन में। आम्रपाली दुबे काहे ना आ पैले, निरहुआ काहे ना आ पैले अपने भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन में, इहो हम बताएं। बाकी घर में तो अवॉइड रहे बर्थडे सेलिब्रेशन, तो में निरहुआ रले रलम, लेकिन फ्रेंड सर्कल का बीच में निरहुआ ना रहले। तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ल कुछ तस्वीर दिखा देते नहीं कि कैसे मनावल गए के प्रवेश लाल के जन्मदिन में आई लोग देखी। हाल ही में भोजपुरी के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रवेश लाल यादव का जन्मदिन था, जो कि काफ़ी बड़े धूमधाम से मनाया गया और साथ ही इस दौरान उनकी कई फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वहीं इस दौरान निरहुआ और आम्रपाली नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से कई जगह से ये सवाल आने लगे कि निरहुआ और आम्रपाली उनके बर्थडे पर क्यों नहीं नज़र आए। तो बता दें आपको कि इसकी भी खास वजह सामने आ रही है। खबरों की माने तो जहां आम्रपाली के भाई की मंगनी थी, तो वहीं निरहुआ फिलहाल अपनी किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो यहां नहीं पहुंच पाए और इस वजह से आम्रपाली और निरहुआ एक साथ प्रवेश लाल यादव के जन्मदिन पर नहीं दिखाई दिए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवेश लाल यादव भोजपुरी का एक जाना माना चेहरा है, तो वहीं आम्रपाली और प्रवेश लाल यादव और साथ ही दिनेश लाल यादव की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमेशा ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट।
अगला खबर खेसारी लाल यादव से जुड़े बैठे कहें कि खेसारी लाल यादव के वो सब देख लो हम जब भी अपन कोनो काम खातिर बाहर निकले ले तो उनका साथी बहुत लोग देखे के मिलेला लेकिन हमेशा साया के लिखा दो चार वो लोग हमेशा उनका आस पास देखे के मिल जा रहे हो। कुछ दिन पहले पवन पांडे देखे के मिलत रहे हो, पवन पांडे राइटर रहे हो खेसारी के, लेकिन अब कम गाना लिखे ले खेसारी खातिर, दोस्ती तो बरकरार बटे लेकिन काम में अब दूसरा राइटर लोग भी आ गए बा। एकरा अलावे सोनू पांडे खेसारी के मैनेजर आज छोट भाई लेखा माने ले सोनू पांडे के, वो खेसारी के साथे नजर आ गए लेकिन आजकल खेसारी लाल के साथे एक नया शख्स देखे के मिल रहा बा। हर जगह हमेशा खेसारी का साथ रहेला के बाई शख्स जेकरा के खेसारी जन्मदिन पर सोना के महंगा चेन गिफ्ट कर देने, जो साया के लेखा सुबह शाम रात बिहार होखो मुंबई होखो विदेश होखो हर जगह खेसारी के साथ ही मौजूद रहेला। इनकरा से आज हम लोगों सबके रूबरू करवावे जा रहे बानी, तो जल्दी से एगो नजर इस शख्स पर डाली देखी। हाल ही में सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो एक शख्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि उनकी ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जिसमें ये एक ही शख्स खेसारी लाल यादव के काफ़ी करीब नज़र आता है। बता दें आपको कि ये खेसारी लाल यादव का कोई फैन या कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये खेसारी लाल यादव का मैनेजर है जिसका नाम है कुमार प्रणव। हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रणव का जन्मदिन था जिसमें खेसारी लाल पहुंचे थे और इस खास मौके पर खेसारी ने उन्हें काफ़ी भारी सोने की चेन भी गिफ्ट की थी, जिससे ये तो साफ है कि खेसारी लाल यादव सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफ़ी हीरो हैं और इस वजह से लोग उनके काफ़ी ज़्यादा दीवाने हैं। और साथ ही अगर बात करें खेसारी लाल यादव के करीबियों की तो बता दें कि खेसारी लाल यादव खुद से जुड़े काफ़ी लोगों की मदद ऐसे ही करते हुए नज़र आते हैं और साथ ही अपने खासा गिफ्ट देने के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही बता दें आपको कि जो भी उनसे जुड़ा हुआ है उन पर खेसारी जमकर प्यार लुटाते हैं और ये कहीं ना कहीं खेसारी का प्यार लुटाने का तरीका था अपने मैनेजर पर। वहीं अगर बात करें इस मैनेजर यानी कि कुमार प्रणव की तो बता दें कि खेसारी लाल यादव के साथ ये काफ़ी टाइम से है और साथ ही ये खेसारी के साथ हमेशा ही साय की तरह रहता है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। अगला खबर जुड़ल बा इंडस्ट्री के आइकन क्वीन अमृत नैनी अक्षरा सिंह के से जुड़ल, जिनका के रोगा सब जब भी देखले बनी लोग भावुक होते देखले बनी लोग, चाहे हसत मुस्कुरावत रोवा देखले बनी लोग, लेकिन हाल ही में स्टेज शो का बीच से इनका ऐसा वीडियो वायरल भइल बा जेकरा के देखला के बाद रोवा सबके एक पल खातिर विश्वास ना होखी। काहे कि अक्षरा सिंह गुस्सा में इतना जोर जोर से वीडियो में चिल्लावत नजर आई बड़ी कि रो सब विश्वास ना कर पाए पहले बार में कि अक्षरा सिंह है, लेकिन इतना गुस्सा कैसे आए काहे खातिर आए इस सब रोवा सब के हम एगो बतावे खातिर रिपोर्ट बना के ले आए बनी, जेकरा के जलना के बाद रोवा सब के शायद समझ आ जाए कि काहे खेसारी लाल के काहे अक्षरा सिंह के इतना गुस्सा होके के फड़ल रहे, काहे वो चिल्लाई आसपास के लोग पर का पूरा माजरा रहे देखी। इन दिनों भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह काफी चर्चे में रहती हैं और हाल ही में उनसे जुड़ी एक खास खबर सामने आ रही है और इस खबर की माने तो जयनगर महोत्सव के दौरान अक्षरा सिंह यहां पर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और इसी बीच अक्षरा की एक वीडियो सामने आई जिसमें अक्षरा सिंह पहले तो स्टेज पर काफी खुश होकर काफी मस्ती भरे अंदाज में स्टेज शो करती दिखाई दी, तो वहीं कुछ सेकेंड्स बाद यहाँ पर माहौल कुछ और ही दिखाई देने लगा। बता दें आपको कि यहाँ पर अक्षरा सिंह काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाती हुई नजर आई। हालांकि अक्षरा सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ यहाँ पर ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरह अक्षरा सिंह गुस्से में नजर आई जिस तरह वो चिल्लाती हुई दिखाई दी इससे तो साफ है कि अक्षरा सिंह के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो कि उन्हें काफी हद तक आहत कर गया है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह इन दिनों जहां अपनी कई फिल्मों को लेकर काफी चर्चे में हैं, तो वहीं इन दिनों अक्षरा सिंह की आने वाली कई सारी फिल्में भी जल्द ही फैंस को दिखाई देने वाली हैं। वहीं बता दें आपको कि अक्षरा सिंह जहां आपको फिल्मों में
काफी खूबसूरत अदाएं बिखेरती नजर आती हैं, तो वहीं साथ ही साथ अक्षरा सिंह हमेशा ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी फोटो और अपनी वीडियोस के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती है और फैंस का उन्हें ढेर सारा प्यार मिलता है। लेकिन अक्षरा के इस तरह चिल्लाने का, इस तरह गुस्सा होने की क्या खास वजह है, ये अब तक सामने नहीं आ पाई है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तो आज के भोजपुरी गॉसिप्स में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसा नहीं इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल गॉसिपिंग भरल खबर का साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी ही इजाजत। प्रणाम।